हेलो एवरीवन, हेलो के आज का हमारा टॉपिक है इंटरफेरेंस पैटर्न को हम कैसे ऑब्टेन करते हैं, किन वे से ऑब्टेन करते हैं। और इसके बाद हमारे पास टॉपिक है कि इंटरफेरेंस जब हम थिन फिल्म्स में करते हैं, मतलब ग्लास स्लैब है, ठीक है, और जो ऑयल फिल्म्स होती हैं वैसे ही, उनमें से इंटरफेरेंस जो पैटर्न हमें ऑब्टेन होता है वो कैसे होता है, ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है हमारे पास इंटरफेरेंस पैटर्न को हम किन वे से ऑब्टेन कर सकते हैं। फर्स्ट है हमारे पास डिवीज़न ऑफ वेव फ्रंट एंड सेकंड है डिवीज़न ऑफ एम्पलीट्यूड। कौन से दो वेज हैं? डिवीज़न ऑफ वेव फ्रंट एंड डिवीज़न ऑफ एम्पलीट्यूड। डिवीज़न ऑफ वेव फ्रंट में हम कौन कौन से एक्सपेरिमेंट करते हैं? यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एंड लुईस मिरर। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को तो हमने बहुत अच्छे तरीके से कर लिया है, ठीक है। एंड डिवीज़न ऑफ एम्पलीट्यूड, डिवीज़न ऑफ एम्पलीट्यूड में हमारे पास कौन से आते हैं? दो, न्यूटन्स रिंग्स एंड माइकलसन मोरले इंटरफेरोमीटर। न्यूटन्स रिंग्स और माइकलसन मोरले इंटरफेरोमीटर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। एंड अब हमारे हम डिवीज़न ऑफ वेव फ्रंट को तो हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया, डिवीज़न ऑफ एम्पलीट्यूड की बात करते हैं अब हम, ठीक है। तो डिवीज़न ऑफ एम्पलीट्यूड में हमारे डिवीज़न ऑफ वेव फ्रंट को एक बार और देख लीजिए आप। डिवीज़न ऑफ वेव फ्रंट में हमारे पास क्या होता है कि एक एस सोर्स होता है लाइट का, ठीक है, उसके आगे हम क्या करते हैं, दो स्लिट्स रख देते हैं, दो स्लिट्स एस वन और एस टू रख लेते हैं, जिसमें वेव फ्रंट क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है और हमारे पास इंटरफेरेंस पैटर्न स्क्रीन के ऊपर आ जाता है, जिसमें हमारे पास क्या होती हैं, डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस बनती हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास डिवीज़न ऑफ एम्पलीट्यूड, और डिवीज़न ऑफ एम्पलीट्यूड को क्या बोलते हैं, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस भी बोल देते हैं, ठीक है। क्या क्यों बोलते हैं मल्टीपल रिफ्लेक्शंस, क्यों बोलते हैं देखते हैं अभी। कि हमारे पास एक ये तो एयर है जो हमारे पास क्या है, रेयर मीडियम है, और ये क्या है हमारे पास ग्लास स्लैब है। ग्लास स्लैब क्या है हमारे पास, डेंसर मीडियम है, ठीक है। ओ क्या है, कोई भी सोर्स है लाइट का, ठीक है। ओ से जब लाइट क्या होगी, ए पॉइंट के ऊपर फॉल करेगी, ठीक है, तो ए पॉइंट से इस तरफ से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और इस तरफ से इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगी हमारे पास, रिफ्रैक्ट हो जाएगी। और बी से जो बी पॉइंट के ऊपर लाइट आएगी, फिर वो क्या हो जाएगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी और बी पॉइंट से बाहर एयर में क्या हो जाएगी, ट्रांसमिट हो जाएगी, ठीक है। फिर जो ए डैश के ऊपर हमारे पास लाइट फॉल करेगी, ठीक है, वो क्या चली जाएगी, इस तरफ चली जाएगी। ये यहाँ ए डबल डैश से क्या हो रही है, रिफ्रैक्शन हो रही है। क्यों? क्योंकि जो लाइट वेव है वो ग्लास स्लैब से किस में जा रही है, एयर में जा रही है, ठीक है। और ए डैश से जब लाइट हमारे पास बी डैश में जाएगी, तो यहाँ से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, क्योंकि ये सेम मीडियम में रह रही है, ग्लास मीडियम में रह रही है, ठीक है। तो जब ये रही हमारे पास बी डैश के ऊपर फॉल करेगी, तो क्या हो जाएगी, इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और बी डैश से क्या हो जाएगी, ट्रांसमिट हो जाएगी। तो इस तरह से ये प्रोसेस है वो क्या होता है, कंटिन्यूसली चलता रहता है। और जो हमारे पास ए डबल डैश से हमारे पास जो लाइट वेव्स आ रही हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड लाइट वेव्स। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड लाइट वेव्स। जो ए डबल डैश से हमारे पास लाइट वेव्स आ रही हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड लाइट वेव्स। और ठीक है, और हमारे पास जो बी डबल डैश से जो लाइट वेव्स आ रही हैं, ये हमारे पास कौन सी होती हैं, ट्रांसमिटेड, ठीक है। ये हमारे पास कौन सी होती हैं, ट्रांसमिटेड लाइट वेव्स, ठीक है जी, डन। नेक्स्ट है हमारे पास चेंज ऑफ फेस ऑन रिफ्लेक्शन। इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया भी हुआ है 2017 में, के इसमें क्या है देखने वाला, कि जब हमारे पास रिफ्लेक्शन होती है, वो तो पता ही आपको रिफ्लेक्शन कैसे होती है, कि जब लाइट हमारे पास रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है, तो हमारे पास क्या होती है, रिफ्रैक्शन होती है, ठीक है। और रिफ्लेक्शन कब होती है, जब हमारे पास लाइट कोई भी सिल्वर्ड सरफेस के ऊपर या स्मूथ सरफेस के ऊपर फॉल करती है, तो हमारे पास क्या होती है, रिफ्लेक्शन होती है। वैसे जब भी कोई भी फिनोमेना होता है, तो उसमें रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और ट्रांसमिटेंस या इमर्जेंस होता है, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं रिफ्लेक्शन की, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन में क्या होता है, रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि जब हमारे पास ओ से लाइट वेव हमारे पास किसी भी मीडियम या किसी भी सरफेस के ऊपर फॉल कर रही है, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ रही है, यहाँ से रिफ्लेक्शन हो गई, ठीक है, यहाँ से रिफ्रैक्शन हो गई, और यहाँ पे मिरर लगाया है, ठीक है। मिरर से हम क्या ले रहे हैं,
देख रहे हैं कि जो रिफ्लेक्टेड वेव आई है उसमें हमारे पास फेज चेंज कितना है और पाथ जो डिफरेंस है उसमें कैसा चेंज है, ठीक है जी। तो क्या चेंज आता है इसको हम सिंपली एक चीज़ लर्न नहीं करेंगे, ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। रे तो हमारे पास जो फेस कितना चेंज होता है, रिफ्लेक्शन जब रिफ्लेक्शन होती है, ठीक है, हमारे पास फेस चेंज कैसा होता है, फेस चेंज कैसा होता है हमारे पास, तो हमारे पास सॉरी चेंज ऑफ फेस कितना होता है, फेस जो होता है वो हमारे पास पाई चेंज होता है, और फेस कितना चेंज होता है पाई मतलब 180। जब जो इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव आती है, जो इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव होती है उसमें जो हमारे पास डिफरेंस फेस डिफरेंस वो होता है पाई होता है, और पाई के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास पाथ डिफरेंस क्या आ जाएगा, लैम्डा बाई टू। पाथ डिफरेंस कैसा आ जाएगा हमारे पास, लैम्डा बाई टू। डन। मैंने क्या क्या डिस्कस किया है कि जब हमारे पास लाइट वेव रिफ्लेक्टेड होती है, लाइट वेव क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है, तब हमारे पास फेस कितना चेंज होता है, पाई चेंज होता है, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो पाथ डिफरेंस होता है वो क्या होता है, लैम्डा बाई टू होता है। डन। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स। क्या है, इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स। इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स में हमारे पास क्या है, डिवीज़न ऑफ एम्पलीट्यूड की बात की थी हमने, ठीक है। पीछे अभी डिस्कस किया है कि ओ से कोई भी लाइट वेव आएगी, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, रेयर मीडियम है जो कि एयर है। ये हमारे पास ग्लास स्लैब है जो कि डेंसर मीडियम है। जब ओ से लाइट वेव ए के ऊपर फॉल करेगी, यहाँ से रिफ्लेक्शन, यहाँ से रिफ्रैक्शन, यहाँ से ट्रांसमिटेशन होगी, तो जो ए डबल डैश सी डबल डैश जो हमारे पास लाइट वेव्स आती हैं, ये कौन सी लाइट वेव्स होती हैं, हमारे पास रिफ्लेक्टेड लाइट वेव्स होती हैं, ठीक है। और जो हमारे पास बी डी बी डैश डी डैश बी डबल डैश डी डैश जो ये लाइट वेव्स आ रही हैं, ये हमारे पास कौन सी होती हैं, ट्रांसमिटेड लाइट वेव्स होती हैं। कौन सी होती हैं, ट्रांसमिटेड लाइट वेव्स होती हैं, ठीक है जी। तो अब हम जब ये हमारे पास रिफ्लेक्टेड लाइट वेव्स और ट्रांसमिटेड लाइट वेव्स सुपर इम्पोज करेंगी या इंटरफेयर करेंगी, तब हमारे पास जो पैटर्न हमें मिलेगा, इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा, वो कैसा होगा। इसमें हम सिंपल मैक्सिमा और जो मिनिमा बनेंगे उसको ही देखेंगे कि उसमें क्या रिलेशन आते हैं, डेरिवेशन नहीं करेंगे। पेपर में डेरिवेशन नहीं पूछनी, सिंपल जो रिजल्ट आए हैं कि हमने उनको लर्न करना है और उनको समझना है, उनके ऊपर ही हमारे पास क्या आएगा, क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो जो हमारे पास क्या है, ए सी ए डैश सी डैश ए डबल डैश सी डैश, ये हमारे पास कौन सी वेव्स थी, रिफ्लेक्टेड वेव्स थी, और बी सी बी डैश सी डैश और बी डबल डैश सी डबल डैश, ये हमारे पास क्या है, ट्रांसमिटेड वेव्स हैं, ठीक है। तो जो रिफ्लेक्टेड वेव्स आती हैं इनमें जो मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशंस क्या आती हैं, 2nt cos r = 2p + 1λ/2, और जो मिनिमा आता है उसकी कंडीशंस क्या, उनकी कंडीशन क्या आती है, 2nt cos r = p λ। इसमें जो n है, इसमें जो n है वो हमारे पास क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। n क्या है हमारे पास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और जो p है वो मैक्सिमा और मिनिमा की पोजिशन है, ठीक है जी। और जो ट्रांसमिटेड लाइट वेव्स आ रही हैं बी सी बी डैश सी डैश बी डबल डैश सी डैश, इसमें से जो हमारे पास मैक्सिमा और मिनिमा कंडीशंस आ रही हैं वो क्या आ रही हैं, मैक्सिमा की कंडीशन है हमारे पास 2nt cos r = p λ, एंड मिनिमा की कंडीशन है 2nt cos r = 2p + 1λ/2, ठीक है जी। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट है, जो कंक्लूजन, जो अच्छा सा रिज़ल्ट देखने को मिल रहा है वो क्या है, कि जो रिफ्लेक्टेड वेव्स से हमारे पास रिफ्लेक्टेड वेव्स में जो मैक्सिमा की कंडीशन आ रही है, देखो ध्यान से देखना, रिफ्लेक्टेड वेव्स में जो मैक्सिमा की कंडीशन आ रही है वो ट्रांसमिटेड वेव्स में मिनिमा की कंडीशन के क्या है, सेम है, इक्वल है, ठीक है, इक्वल नहीं हम सेम कह सकते हैं, ठीक है, जैसे सेम आ रही हैं। तो मैक्सिमा रिफ्लेक्टेड वेव्स में जो मैक्सिमा की कंडीशन है वो मिनिमा की कंडीशन के क्या है, बिल्कुल सेम है, इट मीन्स। और एंड जो मिनिमा की कंडीशन है रिफ्लेक्टेड वेव्स में वो मैक्सिमा की कंडीशन के बिल्कुल सेम है। डन। तो इसका क्या मतलब है कि जो रिफ्लेक्टेड वेव्स में इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा, ठीक है, जो रिफ्लेक्टेड वेव्स में
जो रिफ्लेक्टर वेव्स में हमारे पास पैटर्न बनेगा, इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा, तो और जो हमारे पास ट्रांसमिटेड वेव्स में हमारे पास इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा, वो दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, बिल्कुल ओपोजिट होंगे, और हम कह सकते हैं कि बिल्कुल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। ठीक है, बिल्कुल एक दूसरे के ओपोजिट होंगे और क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। क्यों? क्योंकि देखो कि यहाँ पे जो मैक्सिमा है कंडीशन है वो मिनिमा के कॉरस्पॉन्डिंग है, और जो मिनिमा की कंडीशन है वो मैक्सिमा के कॉरस्पॉन्डिंग है। ठीक है जी, तो इट मीन्स रिफ्लेक्टेड वेव्स में जहाँ पे हमारे पास ब्राइट फ्रिंज बनेगा, ठीक है, और ट्रांसमिटेड वेव्स के इंटरफेरेंस पैटर्न में वहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, मिनिमा बनेगा। ठीक है, तो एक दूसरे के रिफ्लेक्टेड वेव्स में से जो हमारे पास इंटरफेरेंस पैटर्न मिल रहा है, और जो ट्रांसमिटेड वेव्स में हमारे पास इंटरफेरेंस पैटर्न मिल रहा है वो क्या है, एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट है। और हम क्या कह रहे हैं कि जो रिफ्लेक्टेड वेव्स है इसमें जो ब्राइट फ्रिंज होगा, और उसी जगह पे ट्रांसमिटेड वेव्स में क्या बनेगा, हमारे पास डार्क फ्रिंज बनेगा। ठीक है, देन नेक्स्ट हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन लाइट वेव इज रिफ्लेक्टेड एट द सरफेस ऑफ एन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम देन द चेंज इन फेज डिफरेंस। अभी हमने पीछे ही डिस्कस किया है, जब हमारे पास क्या होती है, रिफ्लेक्शन होती है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से, तो हमारे पास फेज डिफरेंस का क्या चेंज आता है, क्या चेंज आता है, हमने अभी डिस्कस किया है, जब हमारे पास रिफ्लेक्शन होती है डेंसर मीडियम से तो हमारे पास जो फेज डिफरेंस आता है वो क्या आता है, पाई आता है, और जो पाथ डिफरेंस आता है वो क्या होता है, लैम्डा बाई टू। देन और ये क्वेश्चन 2017 के पेपर में आया हुआ है। नेक्स्ट है हमारे पास, विच वेपर लैम्प इज़ यूजली एज अ सोर्स ऑफ लाइट फॉर न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट। न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट अभी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बट उसमें से एक क्वेश्चन कर रहे हैं, आपको याद रहे कि न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट है, आपने पहले भी पढ़ा होगा पीएससी में, कि जो न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट है उसमें जो सोर्स यूज़ करते हैं लाइट का वो कौन सा यूज़ करते हैं, उसमें ऑप्शंस है हमारे पास, मरकरी, सोडियम, नियोन, नाइट्रोजन। ठीक है, अभी हमने इंटरफेरेंस पैटर्न में तो पढ़ा ही था कि जो इंटरफेरेंस पैटर्न हमें अच्छा लेना है तो हमें कौन सी लाइट वेव यूज़ करनी चाहिए जो हमारे पास सिंगल वेवलेंथ की हो, कौन सी लाइट वेव यूज़ करनी चाहिए जो हमारे पास क्या हो, सिंगल वेवलेंथ की हो, या फिर हम उसको क्या बोलते हैं, मोनोक्रोमेटिक हो। ठीक है, और क्या हो, मोनोक्रोमेटिक हो। ठीक है, तो मोनोक्रोमेटिक या सिंगल वेवलेंथ वाला जो सोर्स है वो प्रेफर करेंगे, तो इनमें से जो हमारे पास मोनोक्रोमेटिक लाइट का जो सोर्स है वो क्या है, सोडियम, वो क्या है हमारे पास, सोडियम। ठीक है, तो जो हमारे पास राइट ऑप्शन आएगी वो क्या आएगी, सोडियम और बी ऑप्शन। ठीक है जी, कौन सा वेपर लैंप यूज़ करते हैं न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट में, सोडियम। डन, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारे पास, सस्टेन्ड, अब इसमें ध्यान देने वाली बात है, इसका आंसर अच्छे से देना। ठीक है, फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न इन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इसेंशियल कंडीशंस क्या होनी चाहिए। देखो आंसर आपने देना है, सोचिए कौन सा आंसर आएगा, हमने इंटरफेरेंस पैटर्न के बारे में लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। ठीक है, सोर्सेस मस्ट बी कोहेरेंट, सेकंड है द इंटेंसिटीज ऑफ द टू सोर्सेस मस्ट बी इक्वल, सोर्सेस मस्ट बी कोहेरेंट, और सेकंड क्या है, इंटेंसिटीज ऑफ द टू सोर्सेस मस्ट बी इक्वल। ऑप्शंस है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, ओनली वन, ओनली टू, नाइदर फर्स्ट नोर सेकंड। तो अब आप बताइए इसमें कौन सी ऑप्शन आएगी, गेस करिए, बट इसमें ध्यान देना, हमने पहले जो लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है वो हमने अकेला इंटरफेरेंस पैटर्न डिस्कस किया है। ठीक है, और अब हम इसमें बात कर रहे हैं सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न, इसमें हम किसकी बात कर रहे हैं, सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न मतलब बहुत अच्छा पैटर्न हो जिसमें डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस हमारे पास ईजिली विजिबल हो। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन आएगी ना तो फर्स्ट है और ना ही वो सेकेंड है, तो इसमें ऑप्शन आएगी डी, नाइदर वन नोर सेकेंड।
सस्टेन्ड, एक्चुअल में सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न को लेने के लिए ओनली ये दोनों कंडीशन से ही हमारे पास इनफ नहीं है, ठीक है। सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न को लेने के लिए ये सभी कंडीशंस होनी ज़रूरी हैं। कौन कौन सी कंडीशंस हैं देखते हैं। एक तो जो फेज़ डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, कॉन्स्टेंट होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट क्या है, फेज़ डिफरेंस क्या होना चाहिए, कॉन्स्टेंट होना चाहिए। सेकंड क्या है, फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ दोनों सोर्सेज की क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड भी सेम होना चाहिए, और जो हमारे पास सोर्स यूज़ कर रहे हैं उसमें क्या होनी चाहिए, सिंगल वेवलेंथ होनी चाहिए, मीन्स मोनोक्रोमेटिक सोर्स होना चाहिए। और लास्ट है जो वो क्या है, सोर्सेस मस्ट बी क्लोजर टू ईच अदर, मतलब जो सोर्सेस हम यूज़ कर रहे हैं एस वन एंड एस टू जो स्लिट्स ले रहे हैं वो क्या होने चाहिए, एक दूसरे के क्लोज होने चाहिए। एक बार मैं फिर रिपीट कर रही हूँ कि जो सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न है उसके लिए अकेले कोहरेंट सोर्सेस की ही ज़रूरत नहीं है। मैं बार बार बोल रही हूँ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न और सिंपल इंटरफेरेंस पैटर्न है, इन दोनों में डिफरेंस है। अकेले इंटरफेरेंस पैटर्न के लिए तो हम बोल देते हैं कि हमें क्या चाहिए, कोहरेंट सोर्सेस चाहिए, बट सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न के लिए ये सभी कंडीशंस भी हमारे पास की होनी चाहिए, फुलफिल होनी चाहिए। तो कौन कौन सी हैं, फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए, कॉन्स्टेंट होना चाहिए दोनों लाइट वेव्स का जो सुपर इम्पोज हो रही हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ भी सेम होनी चाहिए। थर्ड वन क्या है, एम्पलीट्यूड भी सेम होना चाहिए। और फोर्थ क्या है, जो सोर्स होना चाहिए वो मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए। और फिफ्थ क्या है, जो सोर्सेस हैं वो क्या होने चाहिए, एक दूसरे के क्लोज होने चाहिए। डन, ठीक है। और अब हम फोर्थ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या है, द मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ द फ्रिंजिस इन यंग्स एक्सपेरिमेंट इज आई, ठीक है। मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ द फ्रिंजिस इन यंग्स एक्सपेरिमेंट इज आई, मतलब जो दो सोर्सेस हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उनमें से जो लाइट आ रही है उनकी इंटेंसिटी क्या है, हमारे पास आई है, क्या है, आई है। अब बात कर रहे हैं कि अगर वन ऑफ द स्लिट इज़ क्लोज्ड, अगर एक स्लिट क्लोज हो जाए तो देन इंटेंसिटी एट द प्लेस। अब कह रहे हैं कि मान लो कि जो स्लिट हमने क्लोज किया है वहाँ पे इंटेंसिटी क्या है, आई नोट है, ठीक है। जो स्लिट हमने क्लोज किया है वहाँ पे इंटेंसिटी होगी आई नोट, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू, इनमें से कौन सी ऑप्शन सही है। कहते हैं आई इज़ इक्वल टू आई नोट, मतलब जो यहाँ पे S1 पे इंटेंसिटी होगी आई, और जो स्लिट यहाँ पे होगी क्लोज होगी आई नोट, यहाँ पे जो इंटेंसिटी होगी वो इक्वल होगी एक दूसरे के। सेकंड है I इज़ इक्वल टू टू आई नोट, थर्ड है I इज़ इक्वल टू फोर आई नोट, एंड फोर्थ है नो रिलेशन बिटवीन I एंड आई नोट। अब आप गेस कीजिए कि कौन सी ऑप्शन आएगी। सोचिए, यंग्स एक्सपेरिमेंट किया था हमने, हमने उसके फैक्टर्स से वो भी डिस्कस किए थे कि अगर हमारे पास इसमें दोनों स्लिट्स में से एक स्लिट को हम बंद कर दें, ठीक है, तो क्या होगा। हमने डिस्कस किया था कि जब हम दोनों स्लिट्स में से एक स्लिट हम क्लोज कर देते हैं तो इंटरफेरेंस तो होती ही नहीं है, है ना, क्योंकि इंटरफेरेंस एक्चुअल में क्या होती है, सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स। इंटरफेरेंस क्या होती है, सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स, ठीक है। अगर एक ही सोर्स में से लाइट आ रही है, ठीक है, और दूसरे सोर्स में से लाइट आ ही नहीं रही तो इंटरफेरेंस होगी नहीं। तो इसमें आई और आई नॉट में तो कोई रिलेशन होगा ही नहीं, ठीक है। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है वो क्या है, इसमें जो सही ऑप्शन है वो क्या है, डी, नो रिलेशन बिटवीन आई एंड आई नॉट। सेकेंड, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द कंडीशन ऑफ ब्राइटनेस ऑफ द फिल्म फॉर ट्रांसमिटेड लाइट। अभी हमने किया है कि जो हमारे पास रिफ्लेक्टेड वेव्स आती हैं और जो ट्रांसमिटेड वेव्स आती हैं उनमें जो इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है वो कैसा होता है, उसमें उसकी हमने कंडीशंस भी पढ़ी थी। तो उसको एक बार हम और देख लेते हैं, कौन सी कंडीशंस आई थी। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं कि ट्रांसमिटेड जो वेव्स हैं उसमें मैक्सिमा की कंडीशन क्या है,
ट्रांसमिटेड वेव्स में जो ब्राइट फ्रिंज आएगी उसकी कंडीशन क्या है, क्वेश्चन में पूछ रहे हैं। तो ट्रांसमिटेड वेव्स में जो हमारे पास मैक्सिमा की कंडीशन है वो क्या है, 2 एंटी कोस आर इज इक्वल टू पी लैमडा। तो कौन सी कंडीशन थी, 2 एंटी कोस आर इज इक्वल टू पी लैमडा। ठीक है जी, तो क्वेश्चन में हमारे पास कौन सी ऑप्शन आएगी, देखिए ए ऑप्शन है 2 μt cos r = 2n + 1λ/2। बस जो सिंबल्स हैं उनमें थोड़ा सा चेंज है, वहाँ पे n लिखा हुआ था तो यहाँ पे क्या है म्यू है, और वहाँ पे p था तो यहाँ पे n है। ठीक है, म्यू क्या है हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एन क्या है हमारे पास जो डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस आएंगी उनका ऑर्डर है, मतलब पी जो 1 है 0 है 2 है 3 है। ठीक है, उसी तरह एन है जो 1 है 2 है 3 है, मतलब सेकंड मैक्सिमा है या सेकंड मिनिमा है वैसे ही। ठीक है, तो ऑप्शंस कौन कौन सी हैं, 2 μt cos r = 2n + 1λ/2, 2 μt cos r = nλ, 2 μt cos r = 2n - 1λ/2, एंड टी है नन ऑफ दिस। तो कौन सी ऑप्शन आएगी बताइए, कौन सी ऑप्शन आएगी, बी ऑप्शन। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, ट्रांसमिटेड पैटर्न है उसमें ब्राइट नेस मतलब ब्राइट फ्रिंज मतलब मैक्सिमा की बात कर रहे हैं, तो सही ऑप्शन क्या है, बी। नेक्स्ट है हमारे पास 6th क्वेश्चन, इफ द सोडियम लाइट इज रिप्लेस्ड बाय रेड लाइट इन यंग स्लिट एक्सपेरिमेंट देन द फ्रिंज विड्थ विल बी, कैसी होगी बताइए। सर इसके ऑप्शंस क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास डिक्रीज होगी फ्रिंज विड्थ, सेकेंड है अनअफेक्टेड कुछ भी नहीं होगा, थर्ड है इंक्रीज होगी, एंड फोर्थ है फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज, पहले इंक्रीज होगी और फिर डिक्रीज होगी। एक बार क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं, क्या बोल रहे हैं कि इफ़ द सोडियम लाइट इज रिप्लेस्ड बाय रेड लाइट, सोडियम लाइट की बजाय हम क्या ले रहे हैं, रेड लाइट ले रहे हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। ठीक है, अब सोडियम लाइट के कंपैरेटिवली जो रेड लाइट होती है उसकी वेवलेंथ क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, जो इसकी लैम्डा होती है वेवलेंथ होती है रेड लाइट की ज़्यादा होती है, ये तो हम सबको ही पता है, क्योंकि रेड सिग्नल्स में जो हमारे पास ट्रैफिक जो सिस्टम होता है उसमें जो रेड लाइट यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, या डेंजर सिग्नल में रेड लाइट यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि उसकी वेवलेंथ क्या होती है, ज़्यादा होती है। इट मीन्स वो जो रेड लाइट है वो जो पाथ है वो ज़्यादा ट्रैवल कर सकती है कम टाइम में। ठीक है, तो जो अगर कोई भी व्यक्ति दूर खड़ा है तो इसको रेड लाइट क्या होती है, ईजिली दिखाई पड़ती है एज़ कम्पेयर टू अदर लाइट्स की। ठीक है, तो ये बात तो हम सबको याद है। ठीक है, जो रेड लाइट है उसकी वेवलेंथ क्या होती है, ज़्यादा होती है। डन, और अभी हम लास्ट वाले में यंग्स डबल स्लिट में एक्सपेरिमेंट में हमने क्या डिस्कस किया था कि जो फ्रिंज विड्थ होती है बीटा इज इक्वल टू, उसका फॉर्मूला क्या आता है, लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। बीटा इज इक्वल टू क्या आता है, लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। ठीक है जी, तो लैम्डा और बीटा क्या है, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। जैसे ही लैम्डा ज़्यादा होगा वैसे ही क्या होगा, बीटा भी क्या होगा हमारे पास ज़्यादा होगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा है कि जो रेड लाइट है उसकी वेवलेंथ क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, तो अगर हम सोडियम लाइट की जगह रेड लाइट यूज़ करेंगे तो लैम्डा क्या हो जाएगा, ज़्यादा। लैम्डा ज़्यादा हो जाएगा तो हमारे पास बीटा भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। इस इट मींस फ्रिंज विड्थ क्या आ जाएगी, ज़्यादा, मींस क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो जो सही ऑप्शन है वो हमारे पास क्या है, सेकेंड ऑप्शन, दैट इंक्रीज, इट मींस फ्रिंज विड्थ विल क्या होगी, हमारे पास क्या होगी, इंक्रीज होगी। डन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कहते इन इंटरफेरेंस पैटर्न एनर्जी इज, फर्स्ट ऑप्शन है क्रिएटेड एट द पोजीशन ऑफ मैक्सिमा, क्रिएट होती है। अच्छा जी, डिस्ट्रॉय भी हो जाती है एनर्जी, पता नहीं, देखो आपको पता होगा, मेरे को तो होता ही नहीं भी एनर्जी क्रिएट और डिस्ट्रॉय होती भी है या नहीं होती। थर्ड ऑप्शन है हमारे पास रीडिस्ट्रीब्यूटेड एंड कंजर्व, और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस। अच्छा, आप एक बात बताइए, फिजिक्स तो पढ़ी होगी सभी ने, है ना, तो ई बी एस सी की है तभी मास्टर ग्रेडर देने जा रहे हैं। ठीक है, तो
आप बताइए कि एनर्जी है उसको हम क्रिएट कर सकते हैं या डिस्ट्रॉय कर सकते हैं? ठीक है, इसका आंसर आपने देना है मेरे को। और ये कौन सा लो है ये तो मैं बता दूंगी कि एनर्जी क्रिएट होती है या नहीं होती। और ये किसने बोला था कि एनर्जी इज़ नाइदर क्रिएटेड नोर डिस्ट्रॉयड? ठीक है, ये बताना है अपने कमेंट सेक्शन में, एनर्जी इज़ नाइदर क्रिएटेड नोर डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो ये क्या है, कहते हैं एनर्जी है जो उसको ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। बस क्या होता है कि इन्वायरमेंट में या सराउंडिंग्स में क्या होती है, एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होती है। एनर्जी जो ओवरऑल यूनिवर्स की एनर्जी है वो कॉन्स्टेंट ही रहती है, ना तो हम उसको बना सकते हैं ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जस्ट क्या कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन भी रॉन्ग हो गई, क्रिएटेड वाला बोल दिया उन्होंने, सेकेंड ऑप्शन भी रॉन्ग हो गई। अब थर्ड है हमारे पास रीडिस्ट्रीब्यूटेड एंड कंजर्व्ड। याद है हमने जब इंटरफेरेंस की डेफिनेशन की थी सबसे फर्स्ट लेक्चर में, तो हमने क्या डिस्कस किया था कि इंटरफेरेंस को हम एक बहुत ही आसान वर्ड से डिस्क्राइब करते हैं, दैट इज़ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो इंटरफेरेंस पैटर्न में एनर्जी क्या होती है, एनर्जी तो कंजर्व ही रहती है। ठीक है, मींस ब्राइट फ्रिंज पे क्या आ जाती है, ज़्यादा हो जाती है, और जो डार्क फ्रिंज होती है वहाँ पर क्या हो जाती है, मिनिमम हो जाती है। ठीक है, तो एनर्जी क्या होती है इंटरफेरेंस पैटर्न में, रीडिस्ट्रीब्यूट होती है एंड कंजर्व्ड होती है। तो हमारे पास जो सही ऑप्शन है वो क्या है, रीडिस्ट्रीब्यूटेड एंड कंजर्व्ड, सी ऑप्शन। डन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, कहते थ्रू दो क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, दो क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट कैन एक्सप्लेन अ नंबर ऑफ प्रोसेसेस विद लाइट। कहते जो क्वांटम थ्योरी है लाइट की, वो लाइट के बहुत सारे फिनोमेना जो हमारे पास होते हैं इन्वायरमेंट में, उन सभी को एक्सप्लेन कर पाती है, बहुत सारों को। ठीक है, कैन लिखा हुआ उन्होंने, इट इज़ नेसेसरी, बट क्या नेसेसरी है आगे बता रहे हैं, इट इज़ नेसेसरी टू रिटेन वेव नेचर ऑफ लाइट टू एक्सप्लेन प्रोसेस। तो हमारे पास कहते हैं कि रिटेन वेव नेचर ऑफ लाइट, लाइट का है कि उसकी वेव नेचर को रिटेन करने के लिए कौन से प्रोसेसेस, मतलब एक्सप्लेन करते हैं वेव नेचर लाइट की, वेव नेचर को कौन से प्रोसेस एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, और सेकंड है डाइफ्रैक्शन, थर्ड है रेडिएशन स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लैक बॉडी, फोर्थ वन है कॉम्प्टन इफेक्ट। देखिए हमारे पास डी ब्रोगली ने बताया था कि जो हमारे पास लाइट होती है उसका ड्यूल नेचर होता है, कैसे कि वो लाइट है जो पार्टिकल की तरह भी बिहेव कर सकती है और वेव की तरह भी बिहेव करती है। ठीक है, पार्टिकल भी तरह की तरह भी बिहेव करती है और वेव की तरह भी बिहेव करती है। लाइट की पार्टिकल नेचर को कौन कौन से प्रोसेसेस या कौन सी थ्योरीज एक्सप्लेन करती हैं? फर्स्ट तो हमारे पास क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, और क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट के ऊपर ही हम दो प्रोसेसेस एक्सप्लेन करते हैं, कौन कौन से, कॉम्प्टन इफेक्ट और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, और वेव नेचर को के लिए कौन कौन से एक्सपेरिमेंट है हमारे पास, इंटरफेरेंस, डाइफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान देना इसके ऊपर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो लाइट है उसका क्या होता है हमारे पास, ड्यूल नेचर होता है, कौन कौन सा नेचर होता है, पार्टिकल नेचर होता है एंड वेव नेचर होता है। पार्टिकल नेचर को कौन कौन से एक्सपेरिमेंट हमारे पास एक्सप्लेन करते हैं, कॉम्प्टन इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, और वेव नेचर को कौन से एक्सपेरिमेंट करते हैं, इंटरफेरेंस, डाइफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। इसको याद कर लेना अच्छे से। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में हमारे पास जो सही ऑप्शन है वो क्या आएगी, कौन सी ऑप्शन आएगी हमारे पास बताइए, कौन से ऑप्शन है? फर्स्ट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये आएगी नहीं, ये कौन सा, ये कौन सी किसको एक्सप्लेन करती हैं, कौन सी नेचर को एक्सप्लेन करती हैं लाइट की, एक ये करती हैं पार्टिकल नेचर को। ठीक है, और डी डाइफ्रैक्शन, ठीक है, डाइफ्रैक्शन, डाइफ्रैक्शन किस नेचर को एक्सप्लेन करती है लाइट की, वेव नेचर को। ठीक है, तो हमारे पास जो सही ऑप्शन है वो क्या है, बी, सी और डी भी नहीं आएगा, रेडिएशन स्पेक्ट्रा ऑफ ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी में भी कहते हैं कि जो लाइट है वो क्या है, एज अ पार्टिकल है, और कॉम्प्टन इफेक्ट में भी यही बोलते हैं कि जो लाइट है वो एज अ पार्टिकल है। तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, डाइफ्रैक्शन। डन, नेक्स्ट है हमारे पास नाइन्थ क्वेश्चन,
लास्ट क्वेश्चन, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इन द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द सेपरेशन ऑफ दैट्स टू स्लिट्स इज डबल्ड, मतलब जो दो स्लिट्स हैं, ठीक है, जो हमने किया था ना, जो दो स्लिट्स हैं जो दो स्लिट्स हैं हमारे पास S1 एंड S2, जो इनमें डिस्टेंस होता है स्मॉल d, इनको हमने क्या कर दिया, डबल कर दिया, क्या कर दिया, डबल कर दिया, ठीक है जी। टू कीप द स्पेसिंग ऑफ फ्रिंजेस, स्पेसिंग ऑफ फ्रिंजेस को क्या बोलती हैं, फ्रिंज विड्थ, स्पेसिंग ऑफ फ्रिंजेस को क्या बोलते हैं, फ्रिंज विड्थ ही बोलते हैं। द डिस्टेंस d ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द स्लिट्स, मतलब सोर्स और स्क्रीन के बीच वाला जो डिस्टेंस है, कौन सा डिस्टेंस, सोर्स और स्क्रीन के बीच वाला डिस्टेंस, उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल डी। तो वो कैसा होना चाहिए, कहते जो स्मॉल डी है उसको हमने क्या कर दिया, डबल कर दिया। अब हमने जो बीटा है उसको क्या रखना है, कॉन्स्टेंट रखना है, तो डी कैसा होना चाहिए, डी को, डी के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, क्या इफेक्ट होगा बताइए, क्योंकि जो बीटा है उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, देखिए बीटा का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, ठीक है। अगर हमने क्या कर दिया, जो स्लिट्स के बीच वाला डिस्टेंस था स्मॉल डी, उसको क्या कर दिया हमने, डबल कर दिया टू डी, तो बीटा डैश क्या आ जाएगा, लैम्डा इंटू डी डैश बाई टू डी। देखो डी डैश की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया, डी डैश की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया, टू डी। अब हमने बीटा डैश को कांस्टेंट रखना है, मतलब बीटा के जैसा सेम रखना है, तो क्या होना पड़ेगा, देखो अगर नीचे टू डिवाइड हुआ है तो ऊपर भी हमको टू मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी वो सेम रहेगा रिलेशन। देखिए कि अब हमने, हमारे पास क्या है कि जो नीचे वाला डिस्टेंस था वो क्या हो गया, टू डी, ठीक है। तो अगर हमने क्या करना है, इसको कांस्टेंट ही रखना है बीटा को, तो हम, हमारे पास जो ये फैक्ट, जो ये बीटा डैश है ये क्या हो गया हमारे पास, टू से क्या हो गया, डिवाइड हो गया ना, क्या हो गया, टू से डिवाइड हो गया। तो इसको कांस्टेंट रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर भी टू से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। इट मीन्स जो डी डैश आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, टू का क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा। इट मीन्स डी डैश कितना आ जाएगा, टू डी। डन, क्लियर हो गया जी। तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो कौन सी आएगी, देखिए फर्स्ट ऑप्शन है डी बाई टू, सेकेंड है डी बाई अंडर रूट टू, सेकेंड है थर्ड है टू डी, फोर्थ है फोर डी। तो राइट ऑप्शन कौन सी है, सी ऑप्शन, दैट इज इक्वल टू टू डी। ओके जी, डन, क्लियर है सभी को। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको आगे जितना भी आप शेयर कर सकते हो ज़रूर करना, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू एवरीवन।